मैजिकल सुपर जाइंट वाटरमेलन बाइक। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 100 साल पहले शांतिपुर के जंगल से। एक दिन मांझी नाम का एक किसान जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो वहीं सामने उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखा। वहां उस गड्ढे के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। उस गड्ढे को देखकर मांझी बहुत आश्चर्य होकर, अरे ये इस गड्ढे के अंदर से ऐसी इतनी तेज रोशनी क्यों निकल रही है? आज से पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। इस गड्ढे के पास जाकर देखता हूँ, आखिर ये है क्या? मांझी बहुत तेजी से उस गड्ढे की तरफ भागने लगता है। वो जैसे ही उस गड्ढे के पास पहुँचता है, वहीं उस गड्ढे से निकलने वाली रोशनी ने मांझी को उस गड्ढे के अंदर खींच लिया और मांझी दूसरी तरफ उस गड्ढे के अंदर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां उस गड्ढे के अंदर एक और दुनिया बसी हुई है। वहां उस दुनिया में एक बहुत बड़ा सूखा हुआ पेड़ था। मांझी वैसे उस बड़े पेड़ की तरफ जाने लगा। उस पेड़ के पास पहुंचकर मांझी इस बेचारे पेड़ को पानी ना मिलने से ये कितना सूखा हो गया है, अब से मैं इसे पानी दिया करूंगा और ये फिर से पहले जैसा हरा भरा हो जाएगा। उस दुनिया में एक तालाब था। मांझी उस तालाब से पानी लेकर उस पेड़ को देने लगा। पानी मिलने से वो पेड़ एक सोने के पेड़ में बदल गया और बोलने लगा, ए मानव, तुमने मुझे पानी देकर मुझे शराब से मुक्त कर दिया है। इसके बदले मैं तुम्हें जादुई तरबूज के बीज देता हूँ। ये लो, ये जादुई तरबूज के बीज हैं। इन बीजों से जो भी तरबूज उगेंगे वो जादुई होंगे। तुम उससे कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन वो चीज़ तरबूज से बनी होगी। और हाँ, इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना, वरना इसके शराब से तुम भी एक तरबूज में बदल जाओगे। मांझी उन जादुई बीजों को लेकर उस जादुई दुनिया से बाहर आ गया और उन बीजों को हाथ में लिए एक नदी के पास में कुछ सोचते हुए जा रहा था। उस जादुई पेड़ ने तो मुझे ये बहुत कमाल के बीज दिए हैं, अब मैं इनका इस्तेमाल करके गाँव में सबसे धनवान बन जाऊंगा। वो ऐसे जा ही रहा था कि वहीं उसका पैर नीचे एक पत्थर पर लगता है और वो नीचे गिर जाता है और वो जादुई बीज उसके हाथ से सीधा नदी में गिर जाते हैं। वो नदी बहुत तेज बह रही थी, वो बीज नदी के बहाव में बह गए। मांझी ने नदी में उन जादुई बीजों को बहुत ढूंढा, लेकिन वो बीज उसे नहीं मिले। ऐसे बहुत टाइम गुजर गया। आज के दिन सुंदर नगर नाम के गाँव में मोहनलाल नाम का आदमी अपने बेटे सौरभ के साथ रहता था। सौरभ अपने घर में ही जुगाड़ लगाकर तरह तरह की चीजें बनाता था। वो अपने घर में ऐसे अजीब अजीब प्रयोग करता रहता था। सौरभ का पिता मोहनलाल गांव के एक बहुत बड़े अमीर सेठ जमींदार मंगल सिन्हू के तरबूज के खेत में काम करता था। वो जमींदार बहुत ही ज्यादा लालची था। ऐसे एक दिन वो जमींदार मोहनलाल को अपने खेत पर बुलाकर, तरबूज की फसल कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगी, मैं चाहता हूँ मार्केट में सिर्फ हमारे ही तरबूज बिके, यही सही समय है वो सीक्रेट केमिकल तरबूजों पर डालने का। इस केमिकल से हमारे खेत के तरबूज बहुत बड़े बन जाएंगे और सब लोग हमारे ही तरबूज खरीदेंगे और इससे हम बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन सेठ जी, वो केमिकल बहुत ही खतरनाक है, इंसानों के लिए आपको ये नहीं करना चाहिए, इससे किसी की जान भी जा सकती है। ओए, तुम्हें बहुत चिंता हो रही है लोगों की, तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो, सुनो कल से काम पर मत आना। ऐसे बोल के जमींदार ने मोहनलाल को काम से निकाल दिया। मोहन दुखी होकर वहां से चला गया। मोहन अपने घर में बहुत दुखी खड़ा था और कुछ सोच रहा था, जमींदार ने मुझे काम से भी निकाल दिया, ये हमारा घर भी किराए का है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। मोहनलाल ऐसे सोच ही रहा था तो वहीं बाहर से सौरभ अपने हाथ में एक थैली लेकर उसके पास आया। ये देखें पिताजी, ये मुझे पास की नदी में से मिली, ये नदी में बहुत तेजी से बहती हुई आ रही थी तो मैंने तुरंत इसे उठा लिया। इस थैली के अंदर तरबूज के बीज हैं, हम इन बीजों को अपने घर में उगाते हैं फिर इन्हें बेचेंगे। अगले दिन जब सुबह होती है, जिस जगह सौरभ ने वो बीज लगाया था अब वहां पर एक बहुत विशाल तरबूज उग गया था। ये देखकर वो दोनों बहुत आश्चर्य हुए। वहीं वो तरबूज बोलने लगता है, मैं कोई साधारण तरबूज नहीं, मैं एक जादुई तरबूज हूँ,
तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन वो चीज तरबूज से बनी होगी। मुझे हमेशा से एक सुपर बाइक चलाने का बहुत शौक था, क्या तुम मुझे एक सुपर बाइक दे सकते हो? वहीं वो जादुई तरबूज एक तरबूज से बनी हुई एक वाटरमेलन सुपर बाइक को प्रकट करता है और साथ में बहुत सारे तरबूज भी प्रकट करता है। ये देखकर सौरभ और मोहन बहुत खुश होते हैं और उन तरबूजों को मार्केट में बेचने लगते हैं। सौरभ वो वाटरमेलन बाइक को गांव में चलाने लगता है और वो एक जगह पर पहुंचता है तो उसे सारे गांव वाले देख रहे होते हैं। वहीं सौरभ सुपर बाइक का एक बटन दबाता है और वो एक सुपर जॉइंट वाटरमेलन सुपर बाइक में बदल जाती है। गांव वाले उस सुपर बाइक को देखकर बहुत आश्चर्य होते हैं। मैजिकल गोल्ड मेकिंग हॉर्स हाउस। एक दिन रात के समय सुंदरवन के जंगल में एक जादुई जीप आ जाता है। वो जीप बिजली की रफ्तार से जंगल में बहुत तेज भाग रहा था और इस वजह से एक किसान के खेत में बहुत तबाही होती है और वो जीप कुछ ही देर में वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह जब किसान वहाँ आकर अपने खेत की हालत देखता है तो बहुत दुखी होता है। मैंने अपने खेत पर इतनी मेहनत की थी और उस जादुई जीव ने आकर दोबारा से सब तबाह कर दिया, अब तो मुझे उस जीव का कुछ करना पड़ेगा। वो किसान अपने बेटों को अपने खेत पर बुलाता है। उसके दो बेटे थे, रंगा और मोहन। वैसे वो दोनों किसान के पास आते हैं। खेत की हालत देखो, वो जादुई जीव हर साल की तरह अब फिर से यहाँ वापस आ गया है और सारे खेत तबाह कर रहा है। आज रात तुम दोनों को यहाँ खेत पर पहरेदारी करनी पड़ेगी और किसी भी तरह से उस जादुई जीव को पकड़ना होगा। रंगा और मोहन दोनों पहरेदारी करने के लिए अपने पिता को हाँ कर देते हैं। ऐसे रात हो जाती है और वो दोनों खेत के पास पहरेदारी कर रहे होते हैं तो वहीं खड़ा रंगा कुछ सोचता है। वो जीव बहुत ही खतरनाक है, अगर मैं यहाँ खेत की पहरेदारी करता रहा और वो जीव यहाँ पर आ गया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। इससे पहले वो जीव आ जाए मैं इस मोहन को बेवकूफ बनाकर यहाँ से निकलने की करता हूँ। मोहन तुम कितने बहादुर हो, तुम तो अकेले भी उस जीव को पकड़ सकते हो। अच्छा मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया है, तुम पहरेदारी करो, मैं अभी आता हूँ। आप चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। वहीं रंगा मन ही मन में, ये कितना बेवकूफ है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गया। जब वो जीव यहाँ आएगा फिर इसे पता चलेगा कि ये कितने बड़े खतरे में है। रंगा वहाँ से चला जाता है तो मोहन उस जादुई जीव को पकड़ने के लिए अपनी तैयारी करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा सफेद घोड़ा उसके सामने खड़ा है। मोहन उस घोड़े को देखकर बहुत आश्चर्य हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए एक जाल उसकी तरफ फेंकता है। वहीं वो घोड़ा बहुत तेजी से चमकने लगता है और बहुत तेजी से वहां से भागने लगता है और मोहन भी उसके पीछे खींचा चला जाता है। वहीं वो घोड़ा वहां से उड़ने लग जाता है। कुछ देर बाद वो घोड़ा उड़ते हुए समंदर में बने एक टापू पर आ जाता है और गायब हो जाता है। वहीं मोहन भी उसके साथ साथ वहां पहुंच जाता है। मोहन उस टापू पर पहुंचकर देखता है कि वहां टापू पर एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सोने का घोड़े जैसा घर है और उसके मुंह से बहुत सोने के सिक्के निकल रहे हैं। ये कितना सुंदर घर है, एकदम पूरा का पूरा सोने से बना हुआ है, इसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा इसके अंदर कौन रहता है। मोहन ऐसे सोच ही रहा था कि वहाँ एक छोटा घोड़ा उसके पास आता है। तुम अभी तक यहाँ पर खड़े हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। लेकिन पहले मुझे ये बताओ ये कौन सी जगह है और वो बड़ा सफेद घोड़ा मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है। जिस सफेद घोड़े की तुम बात कर रहे हो वो हमारी दुनिया की रानी है। रानी कभी कभी घूमने के लिए बाहर चली जाती हैं। रानी ने ही मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें लेने के लिए, आओ मेरे साथ चलो। वैसे वो छोटा घोड़ा मोहन को उस सोने से बने घोड़े जैसे दिखने वाले घर के अंदर ले जाता है। उसके अंदर पहुँचते ही मोहन देखता है कि वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुँच गया है। वहाँ उस दुनिया में
हर तरफ सोने के घोड़े घूम रहे थे और कुछ घोड़ों के पंख भी थे। वो दुनिया पूरी की पूरी सोने से बनी हुई थी और वहाँ पर बहुत सारा सोना भी था। रानी ने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हारे खेत में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए तुम यहाँ से जितना भी सोना चाहो ले जा सकते हो और हम तुम्हें तुम्हारे सोने के साथ तुम्हारे गांव में पहुँचा देंगे। उस छोटे घोड़े की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। बाद में मोहन एक उड़ने वाले घोड़े पर बहुत सारा सोना लेकर अपने घर आता है। मोहन अपने पिता को सारी बात बताता है कि उसे इतना सारा सोना कैसे मिला। उस सोने में से कुछ सोना बेचकर वो एक बहुत ही सुंदर घर बनवाते हैं और गांव में सबसे ज्यादा धनवान बन जाते हैं।